किसी पुलिस अफसर के पीछे यूं दबे पैर कभी नहीं आना चाहिए। एक लेजेंडरी स्टार जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कबूल करके खुद हमें इज्जत बख्श रहे हैं, मिस्टर फिरोज खान, प्लीज वेलकम। आई लव यू। न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, अपने दिल को न दुख दे यूं ही इस जमाने की बेरुखी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं होती, उनकी पर्सनालिटी ही सब कुछ कह देती है। 60 के दशक के ऐसे स्टाइल आइकॉन जिनकी टक्कर का हीरो आज भी बॉलीवुड में शायद ही मिले। हमारे खानदान में जब बच्चा पैदा होता है उसे सबसे पहली चीज यही सिखाई जाती है कि इस दुनिया में भगवान के सिवा किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाना, समझे। नायक हो या खलनायक, हर किरदार में जैसे जान फूंक देते थे हमारे पठान। तेरे चेहरे में वो जादू है। क्या ही शानदार थी उनकी आवाज और कद काठी ऐसी कि किसी का भी दिल आ जाए। मैं तो उन्हें बॉलीवुड का शेर कहूंगी। मोहब्बत मोहब्बत है रेशमा, ये कोई जंग नहीं जिसमें शिकस्त और जीत का सोचा जाए। उनके स्वैग और कड़क शैली में हॉलीवुड के क्लिंट ईस्टवुड या स्टीव मैकक्वीन की झलक मिलती थी। उनका लुक और बोलने का अंदाज कुछ ऐसा था कि वो सबसे अलग दिखते थे। नमस्कार, मैं हूं विष्णुप्रिया और यादें नहीं पुरानी में आज बात होगी बॉलीवुड के दमदार अभिनेता और पैशनेट फिल्म डायरेक्टर फिरोज खान की। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस अभी कीजिए और हां, बेल आइकन भी दबाइएगा। फिरोज खान अपने स्टाइलिश पर्सनालिटी और लार्जर देन लाइफ फिल्मों के लिए जाने जाते थे। क्या बात है? कुछ नहीं, हमें भी अपने गम में शामिल कर लो। गम का बोझ हर इंसान को अकेले ही ढोना पड़ता है। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? बोलो ना। बॉलीवुड में वो ऐसे इकलौते कलाकार थे जो संडे को काम नहीं करते थे, है ना अजीब बात। और इससे अजीब ये कि इस वजह से उन्होंने एक अच्छी खासी फिल्म छोड़ दी। ये किस्सा है इंडस्ट्री के पैशनेट डायरेक्टर प्रकाश मेहरा और फिरोज खान का। कौन सी थी वो फिल्म और फिर किस हीरो ने उस मौके का फायदा उठाया, जानेंगे अपने आज के इस वीडियो में और साथ ही जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने बेहतरीन किस्से। जो तुमको तो पसंद वही बात है। फिरोज खान को एक अभिनेता, फिल्म निर्माता और स्टाइल आइकन के रूप में बॉलीवुड में याद किया जाता है। उनकी स्टाइलिश पर्सनालिटी ने फिल्म इंडस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी जिससे वो बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों में से एक बन गए। फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 को बेंगलोर में हुआ था। बचपन में उन्हें जुल्फिकार अली शाह खान के नाम से बुलाया जाता था। उनके पिता पठान थे और माता ईरानी। फिरोज
फिरोज खान की शिक्षा बिशप कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट जर्मन हाई स्कूल बैंगलोर में हुई। बैंगलोर में अपनी स्कूली शिक्षा के बाद फिरोज खान मुंबई आ गए। फिल्मी दुनिया में उनका दाखिला हुआ 1960 में। बॉलीवुड में मौजूद उनके करीबी कनेक्शन ने उन्हें एक मौके के सामने ला खड़ा किया। उनकी पहली फिल्म थी दीदी। महज 20 साल की उम्र थी और सुनील दत्त जी के साथ एक सपोर्टिंग रोल में भी अपनी हीरोइक लुक्स के लिए उन्हें काफी पहचान मिली। अपने शुरुआती दौर में फिरोज खान ने कम बजट वाली थ्रिलर फिल्में की। 1962 में ही वो सिमी गरेवाल के साथ एक अंग्रेजी फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया में आए। Also stars Simi as the beautiful Princess Kamara, Mark Dana, और फिर 1965 में उनकी पहली हिट फिल्म आई ऊंचे लोग। जिसके डायरेक्टर थे फणी मजुमदार। इसके बाद वो उपासना, आरजू और आदमी और इंसान जैसी कई सफल फिल्मों में आए, जहां से वो एक वर्सटाइल एक्टर की तरह स्टैब्लिश हो गए। हेलो जेके साहब। हेलो, क्या मैं आपको लिफ्ट देने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? आप किस तरफ जा रहे हैं? आप किस तरफ जा रही हैं? हुक्म कीजिए, गाड़ी उसी तरफ मुड़ जाएगी। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। वैसे तो फिरोज खान को देर रात तक पार्टियां करने का बहुत शौक था। उनके इस शौक से सभी वाकिफ थे और इन पार्टीज में बॉलीवुड के बड़े अभिनेता शामिल होते थे। एक दिन ऐसी ही एक पार्टी में फिरोज खान की मुलाकात सुंदरी से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। फिर साल 1969 में उनकी एक और फिल्म आई, आदमी और इंसान। जिसमें सहायक भूमिका के लिए फिरोज खान को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। अभी अभी मैंने एक बात का फैसला किया है, शादी हम दोनों एक साथ करेंगे। शादी? हाँ, एक ही दिन। तुमने लड़की का जिक्र किया था, अब उसे भी दिखा डाला। कौन सी लड़की? तुमने कहा था ना कहीं इश्क कर लिया है। वो तो दिल लगेगी। तो फिर तुम भी एक ऐसी लड़की ढूंढ लो जैसी मीना है। फिर साल 1972 में फिरोज खान ने फिल्म अपराध के साथ फिल्म निर्देशन में कदम रखा। ये फिल्म कमर्शियली एक बड़ी हिट साबित हुई। मिले प्यार से मुझे जीना गवारा। अपराध वो पहली भारतीय फिल्म थी जो जर्मनी की ऑटो रेसिंग से जुड़ी फिल्म थी। इस फिल्म में मुमताज के साथ उनकी केमिस्ट्री को काफी वाहवाही मिली। मुमताज उनकी दोस्त थी, इस वजह से वो मुमताज को बिकनी में एक सीन करने के लिए राजी कर पाए, जबकि वो पहले तैयार नहीं थी। कारण था उनके थंडर थाइज। मुमताज ने कहा कि पहले वो एक बार ट्राई करेंगी, फिर शॉट देखने के बाद ही डिसाइड करेंगी। और जब शॉट के बाद उन्होंने खुद को सीन में देखा तो उन्होंने इस सीन को फिल्म में शामिल करने में कोई एतराज नहीं किया। तुम हो हसी वफा तुमको मेरी जान आते। साल 1975 में उन्होंने एक और बड़ी फिल्म बनाई धर्मात्मा, जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई। रेशमा रेशमा।
निर्माता, निर्देशक और स्टार के रूप में उनकी ये पहली ब्लॉकबस्टर हिट थी। इसमें हेमा मालिनी बड़े ही ग्लैमरस रोल में दिखाई दी। तेरे चेहरे में वो जादू है। यह फिल्म हॉलीवुड की कल्ट फिल्म द गॉडफादर से प्रेरित थी। लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। हालांकि उनकी तेज तरार और दमदार भूमिका जिसने उन्हें एक बड़ा अभिनेता साबित किया वो थी फिल्म कुर्बानी। अल्लाह को प्यारे, जो साल 1980 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म में फिरोज खान को बॉलीवुड के स्टाइलिश आइकन के रूप में स्थापित कर दिया। फिरोज खान की रियल हीरो इमेज फिल्म कुर्बानी से ही बनी थी। उन्होंने आप जैसा कोई गाने में चलती ट्रेन के ऊपर बाइक जंप स्टंट किया था और वो भी बिना किसी बॉडी डबल के। ये रिस्की स्टंट था। इसे बॉलीवुड के सबसे रोमांचक क्षणों में शामिल किया जाता है। फिरोज खान अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के साथ सहयोग के लिए जाने जाते थे। अपनी फिल्म कुर्बानी में उन्होंने पाकिस्तानी पॉप सनसनी नाजिया हसन को दिखाया, जिन्होंने हिट गाना आप जैसा कोई गाया था। फिरोज खान ग्लोबल टैलेंट को सपोर्ट करते थे और यही उनकी फिल्मों में एक नया और अनोखा टच लेकर आया। हालांकि बतौर एक्टर फिरोज खान के साथ कई निर्माता निर्देशक काम करने से बचते थे। इंडस्ट्री में ऐसी धारणा थी कि फिरोज खान के साथ काम करना मुश्किल है। लोग उन्हें बहुत मूडी और अड़ियल मानते थे। चलिए मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूं जो उनके टफ एटीट्यूड के बारे में बताता है। ये किस्सा है इंडस्ट्री के पैशनेट डायरेक्टर प्रकाश मेहरा और फिरोज खान का। साल था 1976 और फिल्म थी हेरा फेरी। प्रकाश जी अपनी उस फिल्म में अमिताभ बच्चन और फिरोज खान को लीड रोल में लेना चाहते थे। कहा यह जाता है कि फिरोज साहब ने एक इंडस्ट्री रूल का पालन किया कि वो रविवार को काम नहीं करेंगे और फिल्म के शेड्यूल में रविवार को भी काम करना शामिल था और यही कारण है कि फिरोज खान फिल्म का हिस्सा नहीं बने। इसके बाद उनके लिए जो रोल प्लान किया गया वो अमिताभ बच्चन के पास गया और उनका रोल विनोद खन्ना के पास गया और फिल्म हेरा फेरी अच्छी खासी हिट रही। अपने इस तेवर के चलते फिरोज खान नुकसान में रहे। दीर का सारा खेल है ये और वक्त की हेरा फेरी। फिर साल 1986 में फिरोज खान की मशहूर फिल्म जाबाज आई जो बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही। जा की बाजी लगाने वाला होता है जाबाज। इस फिल्म में उनकी काउबॉय लुक्स को खूब सराहा गया। इसके बाद उन्होंने अपनी करिश्मेटिक स्क्रीन प्रेजेंस के साथ फिल्म दयावान के लिए निर्देशन और अभिनय किया। ये फिल्म एक तमिल फिल्म नायकन की रीमेक थी। यहां ना तेरा वकील है ना अदालत,
यहाँ जमीन और आसमान के बीच तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। 1992 में फिल्म यलगार के बाद उन्होंने अपने एक्टिंग करियर से लंबा ब्रेक ले लिया। इसका कारण था कि वो अपने बेटे फरदीन खान को फिल्म इंडस्ट्री में कनेक्ट करना चाहते थे। साल 1998 में फिल्म प्रेम अगन में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। फिर उन्होंने फरदीन को लेकर दूसरी कोशिश की 2003 में। फिल्म थी जानशी। बच्चा, हमको यकीन है कि तुम्हारा मोहब्बत तुमको जरूर मिलेगी। मोहब्बत में हम जिए हैं जिएंगे, वो होंगे कोई और, मर जाने वाले। मरहबा। फिरोज खान को फिल्मों के अलावा नई नई कारों का भी बहुत शौक था। फिल्म जानशी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी ये स्पोर्ट्स कार्स। जानशी उनके द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी। और फिर 2007 में उन्होंने बतौर एक्टर कॉमेडी फिल्म वेलकम की, जो उनके जीवन की अंतिम फिल्म थी। सत्ताईस मई 2009 को हमारे चहेते कलाकार और स्टाइल आइकन फिरोज खान इस दुनिया से कूच कर गए। साठ से 2007 तक फिरोज खान ने कई हिट फिल्में दी, जिनमें उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी और निर्देशन से लोगों का दिल जीता। उन्होंने नायक और खलनायक दोनों तरह के रोल किए। एक अभिनेता, फिल्म निर्माता और स्टाइल आइकन के रूप में फिरोज खान एक ऐसा नाम है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उनकी अनमैच्ड स्टाइलिश पर्सनालिटी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पे एक अमिट छाप छोड़ी। सर नीचा कभी करना नहीं, जिससे वो बॉलीवुड के लेजेंडरी फिगर्स में से एक बन गए। हिम्मत वाले को मरना नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट में लिखिएगा।